नमस्कार, बोकारो। बोकारो विधायक विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष है, विस्थापित नेता। बोकारो का विधायक विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष है, यह बात विस्थापित नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। विस्थापित नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि विधायक यहां स्टेडियम का जो प्रस्ताव लाया है वह उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन यह जनता के हितों में नहीं है। नेताओं ने कहा कि विधायक यहां अस्पताल एवं स्टेडियम का प्रस्ताव लाकर विस्थापितों के साथ घोर अन्याय किया है। यदि विधायक में दम है तो डिबेट में बैठे और हमारी बातों को काटे। श्री सिंह ने कहा कि विधायक विस्थापितों की समस्याओं को लेकर संघर्षरत नहीं है, बल्कि विस्थापितों के जमीन को कैसे छीना जाए उनकी राजनीति कर रहे हैं। विस्थापितों ने स्टेडियम विवाद को नए सिरे से तुल देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, विस्थापितों की जो समस्या है तथा विस्थापित का जमीन है उसे वापस कराए। विस्थापितों ने कहा कि विधायक बिरिंची नारायण समस्याओं को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जो काम इतने दिनों से बोकारो स्टील नहीं कर पाया वह काम विधायक करवा रहे हैं तथा हमारे जमीन को अधिग्रहण कराने की राजनीति कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि विस्थापित विधायक के साथ हैं, लेकिन विधायक विस्थापितों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में विस्थापितों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसे लागू करावे। नेताओं ने आक्रोश जताया है कि विधायक ने कहा कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। विस्थापित नेता राजेंद्र सिंह व साधु शरण गोप। पूछना चाहता हूं कि आप विकास पुरुष हैं नहीं, आप विनाश पुरुष हैं बोकारो के। अगर विकास पुरुष रहते तो विस्थापित के साथ मिलकर उनके समस्या को समझने का काम करते। विस्थापित नौजवान आज दर दर ठोकरे खा रही है और 100-100 कंपनियां यहाँ प्लांट में चल रहा है। अब एक ने एक लड़के को भी क्या रोजगार से जोड़ने का काम किया है? नहीं किया। और आपने जिस तरह का प्रोजेक्ट लाया है वो आपका व्यक्तिगत लाभ है, सोच है, और कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, चाहे स्टेडियम बनवा रहे हैं, या तो फिर 5-स्टार की नींव रखने जा रहे हैं। ये सब आप व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं, जो हम लोग जिसका भर्सना करते हैं और आपको चैलेंज करते हैं। आप में यदि हिम्मत है तो विस्थापित के साथ डिबेट करें, 24 घंटा का वक्त रखें, सभी संगठन को मैं बैठा दूंगा आपके सामने। यदि आप जीत जाएंगे इनके इनको बातों को इनके समस्याओं से तो मान जाएंगे आप विकास पुरुष है, नहीं तो आप विनाश पुरुष हैं। और बोकारो में जब तक आप रहेंगे बोकारो का विनाश होता रहेगा, यहाँ का विस्थापितों का विनाश होता रहेगा। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि विस्थापित के 19 गांवों को मूल रैयत आप घोषित हो चुके हैं, जिनको 47 वर्षों में अधिग्रहण नहीं हुआ, तो अब वो जमीन स्वतः रैयत का है, वहां आग डालने का काम ना करें। और स्टेडियम का अभी जो आपने शिलान्यास का अति कार्यक्रम में भाग लिया है, आपसे आग्रह है स्टेडियम जो 5 में बना है उसी को एक्सटेंशन करके उसी को 25,000 क्षमता बनाकर विराट स्टेडियम बनाने का काम करें। धन्यवाद। आम चर्चा है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रति जमीन वापसी हो सकता है, लेकिन इस चर्चे को सिरे से खारिज कर करके बोकारो के विधायक डीसी से मिले हैं और डीसी से मिल करके उन्होंने पंचायती राज के व्यवस्था को आगे लाया है। हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने जो उस मांग पत्र में शामिल किया है उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने शामिल किया है कि लंबित मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन दे करके उन गांवों के खाली जमीन को प्लांट विस्तार में लगाया जाए। दूसरी मांग उन्होंने किया है कि एक दैनिक समाचार पत्र है, उस समाचार पत्र में 24 जून को प्रकाशित हुआ था कि DSL विस्थापित गांवों के जमीनों को उद्योग के लिए क्लस्टर बना रहा है। उन्होंने मांग किया था कि डीसी इस पर स्पष्टीकरण दें। हम आज पूछना चाहते हैं विधायक जी से, विधायक जी एक चिट्ठी DSL ने 13 अप्रैल 2021 को डीसी के नाम लिखा है और उसमें लिखा हुआ है कि 19 गांवों के संबंध में DSL का जो स्टेट बोर्ड है एक आदेश पारित किया है और जो सरकार की जो अपनी
दिशा निर्देश है उसके आलोक में 19 गांवों को खाली करने की व्यवस्था किया गया। हम पूछना चाहते हैं कि विधायक जी, क्या यह पत्र बीएसएल ने नहीं लिखा है, लोगों को बताएं? क्या यह पत्र का जो आशय है वो निरस्त हो चुका है? क्या इस पत्र को डीसी ने निरस्त किया है, राज्य सरकार ने निरस्त किया है, या किसी न्यायालय ने निरस्त किया है? और यदि निरस्त नहीं किया है और ये पत्र अस्तित्व में है, तो क्या विधायक जी ये कह सकते हैं, जैसे अपने ताल ठोक के बोलते हैं, कि कोई माँ का लाल 19 गांव को खाली नहीं करा सकता है? ये सारी चीज पर विधायक जी से हम लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं कि विधायक जी, जो लोग आज विस्थापितों को जागृत कर रहे हैं, चेतना ला रहे हैं, वो गुमराह करने वाले ग्रुप नहीं है। आप बीएसएल ने जो चिट्ठी लिखा है उसको आप जो निरस्त नहीं कर पाए, उस असफलता को छिपाने के लिए आप विस्थापितों को गुमराह कर रहे हैं कि पेपर में छपा न्यूज गलत है। विधायक जी, आपके साथ भी विस्थापित हैं, उस विस्थापितों को गुमराह मत करिए, विस्थापितों के साथ जुटने का प्रयास करिए, और अगर हिम्मत है तो विस्थापितों के मूल मांग भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन वापसी का डीसी से करिए, जो आपने नहीं किया है। ये आज दुखद है, आपने मांग किया है कि जो गांव है उसके खाली जमीन पर प्लांट बसाया जाए, लेकिन जो गांव कई वर्ष पहले से खाली हो चुके हैं उनके जमीन पर प्लांट विस्तार का मांग आपने नहीं रखा है। विधायक जी, आप विधायक विस्थापितों के अगर शुभचिंतक हैं, विधायक के मांगों को डीसी को नहीं लिखे हैं, पुनः लिखिए, राज्य सरकार को लिखिए, धरने पर बैठिए। जहां तक सवाल उन गांवों के पुनर्वास का है, उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। आरआर अधिनियम कहता है कि जिस क्षेत्र में उद्योग बसा है उसके परिसर में ही पुनर्वास होगा, इसलिए उन लोगों का मांग आज पुनर्वास है ही नहीं। रही बात मुआवजा का, कोड़ी के भाव में आपने उस जमीन को लिया है, आज लाखों रुपया में आप बेच रहे हैं, वर्तमान में उस मूल्य का कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को लाभ होना चाहिए। वर्तमान मूल्य के मुआवजा पर मांग आपने नहीं किया, आपने लंबित मुआवजा देकर करके खाली जमीन पर प्लांट विस्तार का बात किया, ये बहुत ही निंदनीय है। विस्थापित दुखित हैं इसे, इसलिए हम लोगों ने आज तय किया है, विधायक जी ये सारी बातों पे लोगों को बताएं, और नहीं अगर बताते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपका चेहरा उजागर हो गया कि आप विस्थापित विरोधी हैं, आप चाहते नहीं बोकारो के विस्थापितों को संविधान में जो अधिकार दिया है, भूमि अधिग्रहण कानून में जो अधिकार दिया है, LRR में जो कानून दिया हुआ है, बिहार सरकार के डीपी माहेश्वरी आरसी बैस ने जो निर्देश दिया है, संकल्प दिया है, उसको आप लागू करवाना नहीं चाहते हैं, जबकि यही मूल आधार है विस्थापितों का। अगर ये लागू हो जाए तो सिर्फ बोकारो के विस्थापित का कल्याण नहीं होगा, समूचे झारखंड और देश के लोगों को विस्थापन का जो दर्द है उस दर्द से कराहना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।